अच्छा ये बैलेंस रॉड है हमेशा जब भी ये लोग फोर्ट से कॉल करके पूछते ना आप कितनी रेटिंग दोगे तो मैं हमेशा 10 में से 10 देता हूँ। अभी इस बार फोर्ट कंपनी वाले को थोड़ा बताऊंगा इसका पूरा बिल है ये एक पन्ना ये है। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब कैसे आप लोग, मेरा नाम है करण पांडे और आप देख रहे हैं पांडे ब्लॉग्स। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ यार फोर्ट के शोरूम में, और फोर्ट के शोरूम में बार बार आने का मेरा कारण यही रहता है कि बार बार यार ये लोग गाड़ी सही बना कर नहीं देते, और हमेशा की तरह फिर से इस बार गाड़ी अपनी ख़राब हो गई। अभी थोड़े दिन पहले अपने एसी का काम करवाया था ना गाड़ी में, तो वो गाड़ी का काम फिर से ख़राब हो गया, तो ये गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है। और बस यही यार गाड़ी पीछे की साइड लग रही है, इसके शॉकर में से भी खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, तो अभी ये उठा के ऊपर चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। तो यहाँ गाड़ी लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट उठा के फिर ऊपर चेक करेंगे गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम आ रही है। शॉकर में से भी खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। रॉड है ना यहाँ टच हो रही है। अच्छा ये बैलेंस रॉड है। हाँ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग तो है। ये बैलेंसिंग रॉड आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अपनी ये गाड़ी ऑफ रोडिंग थोड़ी करती है या फिर कैसे कोई खड्डे वाले रास्तों में चलती है, तो उसकी वजह से बता रहे हैं कि बैलेंसिंग रॉड वगैरह है थोड़ी सी टूट गई है, यहाँ से भी थोड़ा सा हो गया है। तो शॉकर का मेनली मतलब भैया ये शॉकर का काम है अपना फिर गाड़ी का, पहले बैलेंस रॉड को सही करते हैं उसके बाद चला के। तो भाई एक्चुअल में अपन यहाँ पे वेट कर रहे हैं और गाड़ी भैया पीछे चेक कर रहे हैं उसकी कोई बैलेंसिंग रॉड वगैरह ख़राब थी ऐसा कुछ, तो हमेशा की तरह फिर यहीं पे बैठ के वेट कर रहे हैं। अब चाय का वेट कर रहे हैं अभी तो कि भाई कोई चाय लेके आ जाए, और भैया चेक कर रहे हैं बुला जाऊँ, भैया ने बुला भी दिया पीछे से चेक करना। तो भैया ने शायद वो शॉकर वाला कुछ सही किया है अभी इसकी रॉड वगैरह, अब एक बार वापस अपन ऑफ रोडिंग में टेस्ट कर रहे हैं गाड़ी को कि वापस वो शॉकर की खड़खड़ की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक मिनट यहाँ तो भीड़ है, आगे कोई खुला पैच आएगा तब चेक कर पाएंगे। गाड़ी का ऑफ रोडिंग टेस्ट करने के लिए भैया थोड़े खड़बड़ वाले रस्ते से आए हैं। ऐसे ही खड़बड़ खड़बड़ ये अब ऑफ रोडिंग में अपन लाए ना, तो आप पता चल रहा है कि ये क्योंकि क्या भैया हमेशा वो पहले वाले थे वो जो मेन रोड है उस पर करवाते थे चेक, मेन रोड पे तो पता नहीं चलेगा, ऐसे खड्डे रास्ते पे लाए तो देखो अभी ये बता रहा है कि ये आप उनको बताना भैया ये जो चीज़ है ना, हाँ ये चीज़ आप उनको बताना कि ये मिस्टेक आ रही है। एक्चुअल में क्या है कि गाड़ी पूरी प्रॉपर चेक करने से ही समझ में आता है क्या मिस्टेक होती क्या नहीं है, या कस्टमर को तो इतना पता नहीं है, अपन को क्या है कि गाड़ी को दिखाना और दिखवाने से ज़्यादा अपने क्या है कि कंपनी में अगर गाड़ी देते हैं तो इनको प्रॉपर चेक करना चाहिए। अब पिछली बार भी एसी की पता है मिस्टेक थी और वो एसी का आगे वाला फैन शायद ख़राब था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं चल जाएगा, मतलब एक पक्का काम करके देना और एक वो जो होता है ना मतलब टाल देना वो वाली बात है करीबन, तो यही है यार। अगर नहीं होगा भैया तो ये वाला वीडियो तो मुझे YouTube पे डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर क्या, क्योंकि हमेशा जब भी ये लोग फोर्ड से कॉल करके पूछते ना आप कितनी रेटिंग दोगे तो मैं हमेशा 10 में से 10 देता हूँ। अभी इस बार फोर्ड कंपनी वाले को थोड़ा बताऊंगा कि भाई ये चीज़ भी है आपकी कंपनी में, और कस्टमर इसी वजह से आपकी फोर्ड जाने का भी कारण यही था। और आज अपन के पास मतलब 2-3 कंपनी की गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा की भी है ह्यूंडई की भी है, तो अपन को एक तरीके से अपन कह सकते हैं ना कि वो सर्विस एक्सपीरियंस पता है कि कहाँ की कैसी सर्विस मिलती है। तो भाई इस वास्ते मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इतने पैसे लगा के, अपन ने इस गाड़ी का रखने का रीज़न यही है कि अपनी घर की लक्की गाड़ी है, अदरवाइज़ तो गाड़ी ये नहीं रखते अपन, पर अच्छी गाड़ी है लक्की गाड़ी है दिक्कत नहीं देती, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक आती है, अगर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर देना तो मिस्टेक भी मेरे ख्याल से फिर नहीं आती है, बस यही है यार। अभी वापस से चल रहे हैं कंपनी, फिर भैया जो है ये बताएंगे उनको कि ये मिस्टेक आ रही है शॉकर की, तो उसके बाद देखते हैं भैया क्या कहते हैं। तो गाइस फाइनली निरीक्षण यहाँ पे ये निकला है कि गाड़ी भैया कह रहे हैं कि कल देंगे, आज तो बनेगी नहीं गाड़ी, वो भी क्या एस्टिमेट बता रहे हैं कि क्या मतलब दिक्कत है शॉकर। अभी भाई पता है आपको थोड़े दिन पहले इसके शॉकर बदलवाए थे मैंने गाड़ी के, अब ये कह रहे हैं कि फिर से शॉकर बदलने पड़ेंगे या शॉकर देखने पड़ेंगे, तो आप ही लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई ये फोर्ड की मतलब फोर्ड कंपनी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि अपने आप में यार एक फोर्ड एक बाहर के अगर देखो तो एक क्लास है,
मैं भी बाहर के हिसाब से मैंने देखा था फूड का सारी चीज़ें, और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ मतलब थोड़े दिन जब ये फूड थी यहाँ पे तो मैं एंडीवर लेने वाला था, तो अच्छा हुआ कि वो तो मैंने नहीं लिया, और अच्छा ही हुआ उसके बाद तो शोरूम ही बंद हो गया, क्योंकि मतलब यार गाड़ी बंदा खाली गाड़ी के लिए नहीं लेता है, सर्विस के लिए और सब सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं उन सब चीज़ों के लिए गाड़ी लेता है। अब मैं Hyundai की तारीफ़ हमेशा क्यों करता हूँ कि मैं जितनी बार भी गया हूँ इतने अच्छे से देखते हैं, इतने अच्छे से काम कराते हैं गाड़ी का, क्या बताऊँ आपको मैं, बहुत अच्छा क्लास है। मैं तो 10 में से 10 दूंगा भाई यहाँ के जोधपुर के Hyundai के, बाकी के मेरे को नहीं पता कहाँ क्या होते हैं। यहाँ भाई फोर्ड का ऐसा सिस्टम है कि मतलब पूछो ही मत, आप घटिया से भी घटिया वाली चीज़ जो होती है ना वो यहाँ होती है। तो बस यही है, अब गाड़ी फिर से मैंने दे दी यहाँ पे, और पिछली बार भी मैंने इनको कहा था कि एसी में ये फ़ैन नहीं चल रहा है, मिस्टेक है, तो इन्होंने क्या है कोई तार सही करके दे दिया कि नहीं कोई नहीं तार की मिस्टेक थी। अब मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ, बार बार यहाँ पे मुझे आना पड़ता है गाड़ी लेकर, फिर पूरे दिन यहाँ पे बैठा रहना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं आपकी चीज़ें, मतलब सर्विस किसके लिए होती है, ये सर्विस सेंटर किसके लिए खोल रखा है, जनता के लिए खोल रखा है। जब जनता ही सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सर्विस सेंटर का क्या मतलब। तो भाई रेटिंग तो मैं 0 दूंगा, और आज भी कह रहे हैं कि अब नहीं, तो कोई नहीं वापस तो मुझे जैसे तैसे करके जुगाड़ करके बस मैं यहाँ कैसे तैसे करके जाना पड़ेगा वापस घर, फिर वापस मुझे आना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ है, और गाड़ी अपनी शायद पीछे ही खड़ी है, क्या यहाँ पीछे ही खड़ी है, और देखो फिर अब क्या होता है आगे। अभी बता रहे एस्टिमेट बता रहे क्या कितना का बैठता है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आपका, और दूसरे दिन में आपका स्वागत है फिर से। आज फिर से हम लोग फोर्ड के शोरूम आ चुके हैं। घर से आने की जो रूट थी वो तो बहुत लंबी थी, बस में बैठ के आया हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा पैदल चल के आए, उसके बाद अब जाके फोर्ड के शोरूम अपन पहुँचे हैं, और देखते भी क्या बिल विल बना है गाड़ी का, कैसे क्या सिस्टम है, उस हिसाब से आपको मैं बिल बताता हूँ, और ये भी आपको मैं प्रॉपर इस वीडियो में बताऊँगा कि अपने गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। और इन्होंने मेरे को कहा था कि एक दिन बाद में गाड़ी देंगे हम लोग, पर शायद काम गाड़ी में इनको ज़्यादा लग गया होगा तो 3 दिन लगा दिए। आज सैटरडे है, अगर आज गाड़ी नहीं लेता तो फिर कल तो संडे हो जाता, तो फिर संडे के हिसाब से तो गाड़ी में वैसे भी नहीं ले पाता, इसलिए फिर मैं आज आया हूँ लेने के लिए गाड़ी। लेने गाइस अपनी गाड़ी का बिल आ चुका है, गाड़ी मिलने से पहले बिल आ गया है, और बिल बना है अपना 14,614। एक बार गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर आपको प्रॉपर इसका पूरा बिल दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं गाड़ी के पास आ चुका हूँ, और गाड़ी आप देख सकते हैं एकदम अभी तो चांदनी जैसी लग रही है, बहुत चमक रही है शानदार, और चमक इसलिए रही है बताऊँ आपको मैं इसका कारण, ये इतनी चमक इसलिए रही है क्योंकि ये कंपनी से पेंट करवा, मतलब बाहर जो मैंने इसका करवाया था तो बाहर मैंने पूछा था इसके पेंट के लिए तो करीबन 10-15 हज़ार रुपये कम बताया था, और कंपनी में 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा बताए थे, मतलब टोटल 50 हज़ार रुपये आप मान लो कि अपने इसके पेंट के लग गए थे। तो कंपनी का पेंट का कारण यही है कि कंपनी के पेंट में शाइनिंग होती है और प्रॉपर तगड़ा पेंट होता है। अभी तो क्या है कि थोड़ा बच्चों ने देखो आपको मैं बताता हूँ स्क्रैच लगा दी है इसमें, अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ इसका थोड़ा स्क्रैच का कुछ करवाने, मतलब सही करवाने, अदरवाइज़ अगर दूर से आप देखेंगे तो। और वाइट गाड़ी की ही होती है कि लाइफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है वाइट गाड़ी की, मतलब अगर अपन वाइट गाड़ी लेते हैं तो उसमें आप लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, इसके वाइट में और उस वाइट में बहुत फ़र्क है, ये देखो ये वाइट देखो, वो देखो वो लाइट वाइट है, और ये मतलब शायद पर्ल वाइट है वो, और ये अपना कौन सा वाइट है ये नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा मेरे को आप कौन सा वाइट है ये। तो बस गाड़ी में एक पीछे यार आपको दिखाता हूँ मैं, ये इधर ही नंबर प्लेट थोड़ी सी हिल रही है, देखो ये पूरी हिल रही है, तो कह रहे अभी टाइट कर रहे हैं नंबर प्लेट, तो बस नंबर प्लेट टाइट करवा के, और लिटरली गाड़ी अंदर से भी एकदम मस्त हो चुकी है, और ये अपना गेट पास है इस गाड़ी का। एंड अभी आपको मैं बिल निकाल के दिखाता हूँ कितने का बिल बना है। तो ये देखिए प्रॉपर इसका पूरा बिल है, ये एक पन्ना ये है, और ये इसका दूसरा पेज है, ये देखिए बिल कितने का बना है, 14,614 रुपए का। और ये प्रॉपर आप देखिए ये इस गाड़ी में पूरा काम हुआ है, इसका शॉकर वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें थी इसमें भी देखिए प्रॉपर आप देख सकते हैं, इसमें एक एक चीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं आराम से। तो गाइस पता है फोर्ड में यही है कि फोर्ड में कोई भी चीज़ बनाते नहीं है, फोर्ड में उस चीज़ को नया ही डाल देते हैं, उस चक्कर में हमेशा फोर्ड में बिल इसलिए बहुत ज़्यादा आता है, और फोर्ड बहुत ज़्यादा महंगी भी है, और सर्विस रिस्पॉन्स भी इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने पास Hyundai की भी गाड़ी है और महिंद्रा की भी गाड़ी है, महिंद्रा का भी इतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, पर Hyundai का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कम कॉस्टिंग में मतलब गाड़ी सर्विस हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं,
और फायदा भी मेरे हिसाब से ज्यादा दिया है, क्योंकि वो कंपनियां भी इंडिया में चल रही है और फोर्ड जा चुकी है, इसके कारण भी शायद ये थोड़ा सा ठप पड़ चुकी है। इसके पार्ट वगैरह आजकल पता है आपको बहुत मिलने मुश्किल हो गए, और इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट, मतलब इस गाड़ी का सबसे अगर आपको बेस्ट पार्ट बताऊं तो इस गाड़ी का जो एसी है वो अल्टीमेट एसी है, बहुत ही अभी मैंने 3 पे किया हुआ एसी और बहुत ही अल्टीमेट ठंडा कर रहा है एसी, बहुत मस्त ठंडा कर रहा है। और मैंने उनको यही चीज़ बोली थी कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा आगे वाला इसकी वजह से, तो ये लोग क्या है कि कंपनी में कुछ ना कुछ बोल के बहानेबाजी करके उस बात को टाल देते हैं, तो उसी चक्कर में फिर हमेशा मेरे को यार आना पड़ता है फोर्ट में। तो यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि देखो अपन अच्छी चीज़ें तो बहुत, मतलब अच्छी चीज़ें तो अपन बहुत बताते हैं, जैसे कार का अपन ने कोई रिव्यू कर दिया या कोई चीज़ कर दी तो अपन क्या अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते हैं, पर कंपनी का नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहिए कि अगर कोई बंदा सेकंड हैंड भी फोर्ड की गाड़ी ले रहा हो या कोई अपना भाई है जो ये लेने की मतलब सोच रहा हो, तो मैं उनको बता दूं कि ये चीज़ भाई फोर्ड में है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख के लीजिएगा, पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे। तो गाइस अभी आ चुके थे हम लोग हॉर्न गाड़ी का नया डलवाने के लिए, एक्चुअल में यार वो वाला हॉर्न जो है वो ख़राब हो गया था अपनी गाड़ी का, तो ये पूरा हॉर्न प्रॉपर लग रहा है गाड़ी का, अभी नया कोई मतलब क्रेटा वाला जो होता है ना हॉर्न वो वाला लगवा रहे हैं अपन, तो भैया सेट कर रहे हैं एक बार प्रॉपर पूरा सेट हो जाए तो फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो फाइनली गाइस अपन ने हॉर्न लगवा लिया है गाड़ी का, और आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी गाड़ी का डेकोरेशन का काम करवाना है। ये प्रॉपर हॉर्न लग चुका है पोलो वाला, हमने क्रेटा वाला देखो, मस्त हॉर्न आवाज़ है, अच्छा काम है।